हेलो फ्रेंड्स, खादिमला राइडर्स पे आपका स्वागत है। और आज कुछ न्यूज़ लेके आए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में थर्ड पैसेंजर के लिए जो रूल है एक्ट 194A में, कि थर्ड पैसेंजर कितना पेनल्टी लगेगी, क्या होगा, कौन होगा थर्ड पैसेंजर, किसको काउंट किया जाएगा, तो उसमें क्या है कि बच्चों के लिए पहले कोई गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन अब क्या है कि गाइडलाइन तो है कि थर्ड, अगर दो आदमी के अलावा तीसरा बैठता है तो वो थर्ड पैसेंजर होगा। लेकिन बच्चे को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, कितने बड़े बच्चे को करेंगे, तो उसके लिए पहले गाइडलाइन नहीं थी। लेकिन अब ये है कि गाइडलाइन में अब ये हो गया, अगर 4 साल से ऊपर का बच्चा है आपके साथ तो वो थर्ड पैसेंजर में काउंट होगा। और उसके ऊपर एक्ट 194A के तहत आपका 200 रुपये चालान कट सकता है। तो पहले क्या था कि बच्चे के लिए कोई गाइडलाइन नहीं होने के कारण होता क्या था, एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे, जितने होता बच्चे बैठा लेते थे। अब पुलिस वाले बच्चे के ऊपर चालान काटते नहीं थे, तो इसका मिसयूज होता था। और होता क्या था, इसके कारण वो जो रिस्क में होते तो होते थे रोड पर, बाकी लोगों के लिए भी ये खतरा पैदा करते थे। तो ये नियम आना सबके लिए सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है। और दूसरा, बच्चों के लिए कार में जो पीछे बच्चे बैठते हैं उनके, अगर वो 14 साल के हैं बच्चे, तो उनको भी सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते, वो बच्चे नहीं लगाते, वो पकड़े जाते हैं, तो 194B के तहत 1000 रुपये का चालान उनका भी कटेगा। और अगर वो बच्चा सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो सेफ्टी सीट का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि बहुत सी गाड़ियों में अब आने लगा है छोटे बच्चों किड्स के लिए सेफ्टी सीट, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो नियम है, इसको नियम पहले नहीं थे, इसका कुछ डायरेक्शन क्लियर नहीं होने के कारण लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाते थे। उनके चक्कर में बहुत बार ऐसा देखा है कि आदमी ओवरलोड होकर के गाड़ी पे जा रहा है, बच्चों को लेके जाते थे, एक एक बच्चों को, मैंने बहुत सारी आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा इंडिया में बच्चों को कैसे बिठा के लोग ले जाते हैं। अनसेफ, खुद हेलमेट पहन लेते, ग्लव्स पहन लेते, जो थोड़ा अवेयर लोग हैं खुद हेलमेट पहनते, जैकेट पहनते हैं, मतलब बहुत ग्लव्स वगैरह पहन लेंगे, जूते पहन लेंगे, अपनी सुरक्षा पूरा ध्यान। बच्चा बेचारा बिना हेलमेट के, बिना सूज के, कुछ नहीं, एकदम सादे डायरेक्ट जो है ट्रैफिक से, विंड से, पोल्यूशन से इंटरेक्ट होता है। और बाकी और पिलियन हो तो उनके लिए भी नहीं, तो ये बच्चे के लिए तो नुकसान है। ऊपर से एक से ज़्यादा बच्चे वो बिठा लेते हैं, तो उसके बाद अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है, उन बच्चों को चोट लगती है, पीछे से जो आ रहा तो होता है व्हीकल, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा हम लोगों के साथ, सबके साथ जो है कभी कभी हुआ ही होगा। उसके बावजूद हम लोग क्या कहते हैं कि अरे ये तो गलत बात है, ये सही बात है उस पर, लेकिन ये सेफ्टी को ध्यान नहीं देखते। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, ये नियम आने से, इन सारे नियम आने के बाद धन उगाही का जरिया हो गया है लगता है। लेकिन लोग कहते हैं कि धन उगाही का जरिया हो गया, लेकिन अगर उनका धन उगाही का जरिया है भी तो गलती करने की ज़रूरत क्या है, क्यों अपने आप को रिस्क में डालना। अगर वो आपसे 200 रुपये का चालान काट भी लेते हैं, 10 लोगों से काट भी लेते हैं, लेकिन अगर एक मिस हैपनिंग हुई तो आपको ज़िंदगी कीमत 200 रुपये नहीं है। इसलिए पुलिस वालों पे, नियम पे ब्लेम करने से अच्छा है अपने अंदर सुधार लाया जाए। और जो जब सुधार लाने की कोई कोशिश करता है तो तकलीफ होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।